और सुन अपना रिंकू बाबा बस बढ़िया किसान न्यूज़ के व्यूवर्स को हेमंत शर्मा का नमस्कार। सोलन सब्जी मंडी से लाइव की शुरुआत जो है आज हम कर चुके हैं और दिनों के मुकाबले आज हम 15 मिनट पहले जो है वो अपना लाइव शुरू कर चुके हैं और आप देख रहे हैं किसान जो सोलन के आसपास के हैं वो टमाटर लेकर पहुंचे हैं और किस तरह से जो है वो यहाँ पर सेटिंग टमाटर की जाती है, पैकेजिंग जिसे कहा जाता है, वो किसान भाई यहाँ पर अपने माल की कर रहे हैं और हम इनसे भी जुड़ेंगे, इनसे भी जानेंगे कि इस दफ़ा जो है वो शुरुआत में दाम जैसे पिछले साल मिले थे वैसा दाम जो है वो नहीं मिल पा रहा है टमाटर का, तो उनका क्या कहना है किसान भाइयों का। 100-150 रुपए में टमाटर बेचने को मजबूर हैं किसान भाई, तो कितनी मुश्किलों भरा समय ये है और क्या कहना चाहेंगे किसान भाई। तो हमारे साथ यहाँ पर सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम राकेश ठाकुर है सर। राकेश भाई, इस बार जो है टमाटर के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो कितना मुश्किल समय लग रहा है इस बार? बहुत मुश्किल समय है, टमाटर की फसल भी कम है और टमाटर के दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं, दोहरी मार पड़ी है। बताया जा रहा है कि अब जो है वो हरियाणा का लाडवा में जो है टमाटर ख़त्म होना शुरू हो गया है, तो उसका फ़ायदा अब यहाँ पर किसानों को मिलेगा? अब मिल सकता है, अगर ख़त्म होगा, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है जी, इसका फ़ायदा मिल सकता है, उम्मीद है। फसल की बात करें तो इस बार शायद 50% फसल ही 50% है, कम है फसल इस बार जी, क्योंकि शुरू में बारिश नहीं हुई, जब बारिश भारी हुई उससे टमाटर कुछ ख़राब हो गया है। मंडी में इस बार फैसिलिटी कैसी देखने को मिल रही है, सुविधाएं बड़ी हैं? अभी तो शुरुआत है, अभी जाम जूम की समस्या इतनी है नहीं, अभी जाम लगना शुरू हो जाएगा तब तो समस्या बताएगी जिम्मेदारों को। इंटरलॉक टाइल लगी है और जैसे आपका एंट्री और एग्जिट की दिक्कत रहती थी वो इस बार? अभी एंट्री और एग्जिट की दिक्कत तो वैसी ही है, बाकी इंटरलॉक टाइल लग चुकी है, बाकी एंट्री में भी दिक्कत है, वहाँ भी रोड पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, एग्जिट तो भी शुरू हुआ ही नहीं है। यहाँ ट्रैफिक के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, पार्किंग समस्या रहती है? पार्किंग मंडी में तो पार्किंग की समस्या इतनी होती नहीं, क्योंकि माल आए तो गाड़ी अनलोड हो बाहर हो जाए। हाँ, बाहर पार्किंग होनी चाहिए, जो कि जिम्मेदार अपना मूल्य टमाटर का मूल्य लेके ही निकले, क्योंकि यहाँ दिक्कत होती है, मंडी में जाम लगा रहता है, गाड़ियाँ बाहर निकलती नहीं है। चलो शुक्रिया। ये थे राकेश जी, किसान भाई जो टमाटर लेके आए हैं, और इनका कहना है कि इस बार दोहरी मार जो है वो टमाटर पर पड़ी है, क्योंकि प्रोडक्शन भी टमाटर की उतनी बेहतर नहीं हो रही है और दाम भी इस बार जो है वो बहुत कम मिल रहे हैं। हालांकि सीज़न की शुरुआत है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वो टमाटर के दाम वो और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का लाडवा क्षेत्र जो रहता है वहाँ का टमाटर काफ़ी संख्या में वहाँ पर पैदावार टमाटर की होती है और उस क्षेत्र का टमाटर अब ख़त्म हो चुका है, तो जिसका सीधा असर जो है अब सोलन की मंडी में भी देखने को मिलेगा, दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। किसान इस उम्मीद को लगाए हैं कि उन्हें जो है वो कुछ दिनों में टमाटर के बेहतर दाम मिलेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज सोलन की सब्जी मंडी, हालांकि सोमवार का दिन है और आज मंडी बंद होती है, तो इस कारण जो है वो आज चंडीगढ़ की मार्केट से जो है वो सब्जियां नहीं आती है सोलन की मंडी में, लेकिन इसके बावजूद क्या दाम चल रहे हैं उसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन अपील आप सभी लोगों से रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम इस तरह के लाइव करने में सक्षम हो पाते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलती है लाइव करने की। लिंगड़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, लिंगड़ भी लोकल पहाड़ी जो है वो आ रहा है। सर पहले तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमर ठाकुर। अमर जी, क्या भाव चल रहे हैं आज, लिंगड़ से शुरुआत करेंगे? हाँ, सिवा सोमवार है आज, बाकी सब्जी आई नहीं है, लोकल सब्जी आई तो आज लिंगड़ आया हमारे पास जी। ये हफ्ते में दो बार आता है मंडियों में जी, और ये एक नई यूनिक सब्जी है जो हमारी पहाड़ी सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी है जी। हाँ जी, और ये आपका करसोग और इस साइड से आता है। क्या चल रहा है इसका? ये डिपेंड करता है किस जगह से आया हुआ और कहाँ से आया हुआ है जी, ये आपकी क्वालिटी के ऊपर बात करती है। आपका 10 रुपये से लेके 25-26 रुपये तक बिकता है मंडी में, और जब ये शुरू में चलता है तो ये 30 रुपये किलो के आसपास बिकता है। गुण की बात करें तो क्या बेनिफिट है इसके? हाँ, ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर है एक तरह से जी, इसे ये जंगलों में पैदा होता है और इसमें आपका आयरन ज़्यादा रहता है इसमें,
मतलब इसकी खेती नहीं होती है ये? नहीं, ये नेचुरल होता है, नेचुरल होता है आपका है। और ये अगर इसको आदमी खाए, कोई लेडीज़ खाए, कोई भी खाए इसको, तो इसमें आपके मतलब आयरन की कमी नहीं होती इनकी बॉडी में। हाँ, और जैसे आजकल कोरोना चला तो उसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर, हाँ जी। चलिए फिर टमाटर के साथ आप शुरुआत करेंगे, दामों की क्या क्या सब्जियों के दाम चल रहे हैं? हाँ, टमाटर आज आपका 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक बिका हुआ है। टमाटर के रेट अब इंक्रीज हो रहे, बढ़ रहे रेट जी। हाँ जी। और शिमला मिर्च? शिमला मिर्च आज आपकी 10 रुपये से लेकर 22 रुपये तक बिकी है। इसके अलावा गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी? हाँ, गोभी आज आपकी 32 रुपये, 25 से 32 रुपये बिकी है। और बंद गोभी आपकी 10 रुपये से लेकर 12 रुपये तक बिकी है। हाँ जी। इसके अलावा आपके पास? और आज जैसे आपके धनिया आपका 25 से 30 रुपये बिका हुआ है जी। और आज पलम आया था आपका, तो पलम आपका 30 रुपये से लेके 40 रुपये तक बिका हुआ है। बढ़िया पलम जी। हाँ जी। इसके अलावा आपका बीन आज आपकी 50 रुपये, 50-52 रुपये का रेट है। लहसुन क्या चल रहा है? लहसुन आपका 90 रुपये, 40 रुपये से लेके 90-95, 100 रुपये तक। हाँ जी, 100 रुपये तक। बढ़िया लहसुन, अभी रेट अच्छे हैं इसके। प्याज? प्याज में थोड़ी तेज़ी है, प्याज आपका 27-28 रुपये मंडी में बढ़िया प्याज बिक रहा है। वैसे तो 20 रुपये से शुरू है, लेकिन जो बढ़िया जो प्याज है वो आपका 27-28 रुपये प्याज है। आलू? आलू आपका लोकल आलू चला है हमारा, सोलन का है, आसपास के गांव का चला हुआ है, तो आपका 15 रुपये, 14 रुपये, 16 रुपये तक। 16 रुपये? हाँ जी, अच्छे भाव है। तोरी? तोरी आपकी यहाँ से अभी लोकल तो हमारी चली नहीं है, लेकिन नीचे की वाली जो आ रही है पंजाब से आ रही है, तो वो आपकी 16-17 रुपये से लेकर 22 रुपये तक चली है। घी आपका 25-26 रुपये चला हुआ है, बढ़िया घी है। हाँ जी। और बैंगन में थोड़ी तेज़ी है आपकी, बैंगन आपका कल और कल हमारे इसमें 35 रुपये तक बिका हुआ है। करेला? करेला आपका 18 रुपये से लेकर 23 रुपये तक बिका हुआ है। इसके अलावा और कौन सी सब्जियाँ जो हैं वो मार्केट में आ रही हैं अभी? तो जैसे लोकल हमारे कद्दू कुद्दू चल पड़े हैं जी, घी अब चल पड़ा है, कद्दू का अच्छे रेट है, 14-15 रुपये किलो कद्दू बिक रहा है। लोकल खीरे चल पड़े आपके 22-24 रुपये किलो लोकल खीरा बिक रहा है। और पालक चल पड़ा लोकल आपका, मूली चल पड़े, मूली के अच्छे रेट है, 25-26 रुपये किलो मूली बिक रही है आपकी अच्छी क्वालिटी की। और पालक आपका वही 24-25 रुपये किलो बिक रहा है। साग आपके 24-25 रुपये किलो से कम नहीं है, जो लोकल सौदे हमारे यहाँ आसपास के, उनकी क्वालिटी अच्छी रहती है, तो उनके रेट भी अच्छे मिलते हैं उनके। करेला? करेला लोकल अभी आया नहीं है, लेकिन अभी चल पड़ेगा 4-5 दिनों में, तो उसके भी ये 20-22 के आसपास ही रेट रहेंगे। हाँ जी। हम फलों की बात करें तो फलों में केले से शुरुआत करते हैं। हाँ, केला आपका 400 रुपये का रेट बिक रहा है मंडी में, बढ़िया एक नंबर केला जी। और जैसे आपका अब आड़ू वगैरह चल पड़े लोकल हमारे, तो आड़ू आपके 25 रुपये से लेके 50 रुपये तक आड़ू, बढ़िया आड़ू मिल रहा है जी, जिसके किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं। आम? और आम आपका 30 से लेके 45 रुपये तक है। और पलम सेब कल ही हमारी मंडी में आया था, कल आप 12-1300 रुपये अर्लियर वरायटी आई थी, 13-1400 रुपये तक वो बिकी थी पेटी बॉक्स आपका, हाफ बॉक्स था, छोटे बॉक्स। हाँ जी। इसके अलावा पपीता? पपीता आपका 30 रुपये किलो बिका है। हाँ जी। और खरबूजा आपका 12-15 रुपये रहता है। तरबूज भी आपका 12-15 रुपये रहता है। और अंगूर? अंगूर का आपका 600-700 रुपये रेट है, लेकिन हमारे लोकल अंगूर आए थे वो आपके 400-450 बिके थे अभी। हाँ जी। फलों में कोई और खास? नहीं, बस यही फल चलते हैं। अमरूद आ रहा? अमरूद नहीं आ रहा अभी, अमरूद बंद है। चलिए अमर सिंह जी, थैंक यू। हाँ ठीक है, वेलकम जी। तो ये थे अमर भाई, जिन्होंने हमें आज के भावों की जो है वो ताज़ा जानकारी दी है। और किसान भाइयों से जैसे हमने बात की, तो किसान भाई हमारे इस बार जो है वो दामों को लेकर नाखुश ज़रूर हैं, क्योंकि दाम जो है वो उन्हें नहीं मिल रहे उतने बेहतर जितने कि पिछले साल मिले थे। हालांकि अब जो है वो भाव बढ़ने की उम्मीद ज़रूर किसान भाइयों को है कि भाव बढ़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बीन यहाँ पर जो है वो लौट आया है, और बीन के अच्छे दाम इस बार मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तो 60 रुपये प्रति केजी की दर से भी जो है वो बीन बिका है, और 40-60 के बीच में जो है वो बीन देखने को मिल रहा है अभी तक। तो किसान भाइयों के लिए जो है वो अच्छे खबर कि उनके बीन का दाम जो है वो उन्हें बहुत बेहतरीन मिल रहा है। हालांकि टमाटर जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन शिमला मिर्च की बात करें, फूलगोभी की बात करें, तो दोनों ही चीज़ें जो है वो बेहतरीन दाम उनके मिल रहे हैं। सुबह का समय रहता है मंडी में, और आज मंडे मार्केट है, और मंडे को जो है वो मंडी बंद रहती है, अमूमन खास खास सब्जियां ही पहुंच पाती हैं, तो इस वजह से जो है यहां पर आज भीड़ आप देख रहे हैं, बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही है।
तो साथियों मेरा आपसे जो है वो अपील रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी जो है वो सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके और इसके अलावा आम लोगों तक ये जानकारी जा सके ताकि उनको पता चले कि आज सोलन की सब्जी मंडी में फल सब्जियों के थोक भाव क्या चल रहे हैं। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, आज की जानकारी जो है वो भावों को लेकर हमने आपको दे दी है और कल हम फिर आपको इसी प्रकार से किसान न्यूज़ पर लाइव मिलेंगे और आपको रेट की अपडेट की जानकारी जो है वो हम आपको देंगे।